मुझे पता है आप क्या सोच रहे हो, इनकम टैक्स रेड की वीडियो में ये 20 शादी की गाड़ियां क्या कर रही हैं। लेकिन क्या हो अगर आपको मैं बोलूं कि उस दिन 20 नहीं, 50 नहीं, 100 नहीं, टोटल 120 शादी की गाड़ियां इनकम टैक्स रेड मारने गई थी। अपने इंडिया के मैप में यहां है महाराष्ट्र और इस राज्य में मुंबई से 400 किलोमीटर दूर है ये जालना। 120 शादी की गाड़ियां लेके 260 इनकम टैक्स ऑफिसर्स ने यहां जालना में ही रेड मारी थी। इस पूरी इनकम टैक्स रेड में टोटल 390 करोड़ का माल जब्त किया गया था। आज सिर्फ 5 मिनट में इंडिया के सबसे क्रेजीएस्ट इनकम टैक्स रेड की कहानी हम देखेंगे और लास्ट में जो फार्म हाउस वाला ट्विस्ट है वो देख के तो आपके होश ही उड़ जाएंगे। लेकिन हर बार की तरह शुरू से शुरू करते हैं। 58 करोड़ कैश, 32 किलो सोना, हीरे मोती से भरे बक्से, इतना कैश कि उड़ गए आयकर विभाग के भी होश। ये देखो, ये है जालना। जालना महाराष्ट्र राज्य में एक बहुत ही छोटा सा डिस्ट्रिक्ट है। जालना में अगर कोई काम सबसे ज्यादा किया जाता है तो वो है स्टील का। इनफैक्ट जालना को महाराष्ट्र की स्टील कैपिटल भी कहा जाता है। इसी जालना में स्टील बनाने वाली दो बहुत ही फेमस कंपनियां थी, SRJPT स्टील्स और कालिका स्टील्स। रेड मारने से कुछ दिन पहले की ही बात है, इनकम टैक्स डिपार्टमेंट और GST काउंसिल को एक टिप मिलती है कि SRJPT स्टील्स और कालिका स्टील्स यानी कि स्टील बनाने वाली ये दोनों कंपनियां टैक्स इवेजन कर रही हैं। सर सॉरी टू डिस्टर्ब यू, लेकिन अभी अभी एक टिप मिली है कि 120 करोड़ रुपए का टैक्स इवेजन हुआ है। टैक्स इवेजन का बहुत ही सिंपल सा मीनिंग होता है टैक्स की चोरी करना। सबसे शॉकिंग पार्ट ये है कि इनकम टैक्स डिपार्टमेंट और GST काउंसिल को जो टिप मिली थी उसमें 120 करोड़ रुपए की टैक्स चोरी की बात की गई थी। टिप मिलते ही बिना समय बर्बाद किए तुरंत ही इनकम टैक्स डिपार्टमेंट ने अपनी नासिक ब्रांच को इस बात की जानकारी दी। नासिक ब्रांच में इनकम टैक्स ऑफिसर्स ने SRJPT स्टील्स और कालिका स्टील्स पर रेड यानी कि छापा मारने का प्लान बनाया। अब टिप इतने ज्यादा अमाउंट की मिली थी कि इस रेड के लिए इनकम टैक्स डिपार्टमेंट को मजबूरन लगभग 260 इनकम टैक्स ऑफिसर्स को चुनना पड़ा। सब कुछ सही चल रहा था, लेकिन एक बहुत बड़ी दिक्कत वाली बात ये थी कि जालना काफी छोटा शहर है और इतने सारे ऑफिसर्स अगर वहाँ एक साथ पहुँचे तो ये बिजनेस ग्रुप्स अलर्ट हो जाएंगे। फॉलोइंग दिस, इस रीजन से रेड फेल तक हो सकती थी, जो इनकम टैक्स डिपार्टमेंट के लिए काफी प्रॉब्लम वाली बात थी। इस प्रॉब्लम का सॉल्यूशन निकालने के लिए और टारगेट को रंगे हाथों पकड़ने के लिए एक गेम प्लान बनाया गया और ये प्लान था इस कहानी में फिल्मी तड़का देने का। सबसे इम्पोर्टेंट कैच, इस प्लान को नाम दिया गया दुल्हन हम ले जाएंगे। लेकिन इससे पहले कि इस गेम प्लान को एग्जीक्यूट किया जाए, कुछ ऑफिसर्स ने 1 और 2 अगस्त 2022 को इन बिजनेस ग्रुप्स की रेकी की। इस रेकी की हेल्प से उन सारी जगहों को आइडेंटिफाई किया गया जहां जहां रेड मारनी थी। शॉर्ट में बताऊं तो ये डिसाइड हुआ कि ये जो दो स्टील की कंपनियां थी, SRJPT स्टील्स और कालिका स्टील्स, इनके ऑफिस, फैक्ट्री और ओनर्स के घरों पर रेड मारने का प्लान है। खैर, आज दिन है 3 अगस्त 2022 का और इस रेड को सक्सेसफुली अंजाम देने के लिए इनकम टैक्स डिपार्टमेंट ने 120 गाड़ियां रेंट पर ली हैं। जालना एक काफी छोटा शहर है और उसमें केयरफुली रेड मारने के लिए इनकम टैक्स ऑफिसर्स ने सारी गाड़ियों को दुल्हन की तरह सजा दिया। हर गाड़ी पर ये राहुल वेड्स, अंजलि और दुल्हन हम ले जाएंगे के स्टिकर्स लगा दिए, यानी कि पूरा का पूरा माहौल ऐसा बनाया गया जैसे कोई बारात जा रही हो। मोरओवर 260 इनकम टैक्स ऑफिसर्स बाराती की तरह ही तैयार हुए थे। एक इनकम टैक्स ऑफिसर दूल्हा बना था जिससे लोगों को किसी भी तरह का डाउट ना हो। जालना में एंटर होने के बाद सारे ऑफिसर्स अलग अलग टीम्स में डिवाइड हुए और डिसाइडेड लोकेशंस पर जाने लगे। चलो तीनों लोकेशंस की स्टेटस को अलग अलग समझते हैं। इनकम टैक्स ऑफिसर्स को दोनों स्टील कंपनियों के मालिकों के घर कुछ नहीं मिला। इनकम टैक्स ऑफिसर्स को दोनों स्टील कंपनियों की फैक्ट्रीज से कच्चे माल का घपला और अकाउंट बुक्स में इनकरेक्ट एंट्रीज का फ्रॉड मिला। इनकम टैक्स ऑफिसर्स को दोनों स्टील कंपनियों के ऑफिसर्स में से फर्जी कंपनीज के डॉक्यूमेंट्स और GST फ्रॉड्स की इन्फॉर्मेशन मिली। सर्च ऑपरेशन करते करते शाम हो चुकी थी। जितना इनकम टैक्स वालों ने एक्सपेक्ट किया था उस हिसाब से कुछ भी नहीं मिल रहा था और सभी ऑफिसर्स का कॉन्फिडेंस ऑलरेडी डाउन हो रहा था। तभी कुछ ऐसा हुआ जिसने इस केस में फिर से नई जान डाल दी। SRJPT स्टील्स के ऑफिस से कुछ डॉक्यूमेंट्स बरामद हुए जिनमें एक फार्म हाउस का जिक्र बार बार कर रखा था। आगे बढ़ने से पहले मैं आपके सामने क्लियर कर दूं कि जिस फार्म हाउस का जिक्र हो रहा है इसका उन दोनों स्टील कंपनियों के मालिकों से कोई लेना देना नहीं है। ये फार्म हाउस प्राइवेट फाइनेंसर प्रदीप बोरा का था जो SRJPT स्टील्स और कालिका स्टील्स के काले कारनामों में उनका साथ देता था। इनकम टैक्स ऑफिसर्स जब फार्म हाउस पहुंचे तो सामने सामने उन्हें कुछ नहीं मिला। जब उन्होंने ये दीवार तोड़ के देखी तो उसके पीछे उन्हें एक सीक्रेट रूम का गेट मिला। फाइनली गेट तोड़कर ऑफिसर्स अंदर गए तो वहाँ बहुत से गद्दे रोल होकर पड़े थे और कुछ अलमारियां रखी थी। गद्दों और अलमारियों को खोलकर देखा तो इनकम टैक्स ऑफिसर शॉक्ड ही रह गए और ये बात सुनकर आपके पैरों के नीचे से जमीन खिसक जाएगी कि गद्दों के अंदर 500 के नोटों की हजारों गड्डियां छुपी हुई थी। अलमारियों में सोने की ज्वेलरी, गोल्ड कॉइंस, गोल्ड ब्रिक्स, गोल्ड बिस्किट्स और डायमंड्स चमक रहे थे। फार्म हाउस में सर्च ऑपरेशन खत्म होते होते सुबह हो चुकी थी और अब बारी थी इस जब्त सामान की टोटल वैल्यू निकालने की। क्योंकि इतना कैश हाथ से गिनना पॉसिबल नहीं था इसलिए पास ही के SBI बैंक में सारा पैसा थैलों में भरकर ले जाया गया। ये सुनकर आपके होश उड़ जाएंगे कि सुबह 11 बजे SBI बैंक में नोट गिनना शुरू हुआ था और ये सिलसिला रात के 1 बजे तक चलता रहा, यानी कि लगभग 13 घंटे। फाइनली इस रेड के एंड में काउंटिंग के बाद पता चला कि टोटल 58 करोड़ कैश, 32 किलो गोल्ड, 14 करोड़ के डायमंड्स और 300 करोड़ की अनडिक्लेयर्ड प्रॉपर्टी उस टाइम फार्म हाउस से जब्त की गई। ओवरऑल इंडिया की इस क्रेजीएस्ट इनकम टैक्स रेड में 390 करोड़ का एक बड़ा अमाउंट सीज हुआ था। कुछ ऐसी ही अनबिलीवेबल कहानी है टी सीरीज के मालिक गुलशन कुमार की हत्या की। 3D एनिमेशन की मदद से इस वीडियो पर क्लिक करके उस दिन के पूरे हत्याकांड को ध्यान से देखो।